विनय पत्रिका पद संख्या 225। भरोसो और आई है उरता के, कह कहूँ लहे जो राम ही सो, साहेब कह अपनो बल जाके। तुलसीदास जी कहते हैं उसी के मन में किसी दूसरे का भरोसा होगा, जिसे या तो कहीं श्री रामचंद्र जी के समान कोई अन्य स्वामी मिल गया हो, या जिसके अपने साधन आदि का बल हो। मुझे न तो कोई ऐसा मालिक ही मिला है और न किसी प्रकार का साधन बल ही है। कै कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मद छाके, कै सुनि स्वामी सुभाव न रहयो चित्त, जो हित सब अंग थाके। अथवा जिसे अज्ञान काम और अभिमान में मतवाला हो जाने के कारण कराल कलिकाल न सूझता हो, अथवा जिसके चित्त पर सब प्रकार से साधन करके और इधर उधर भटक कर थके हुए लोगों के हितकारी स्वामी श्री रामचंद्र जी का दीन और शरणागत वत्सल स्वभाव श्रवण करने पर भी उसका स्मरण न रहा हो। हाँ जानत भली भांति अपन पौ, प्रभु सो सुनियो न साके, उपल भील खग मृग रजनीचर, भले भय कर तब काके। मैं तो अपने क्षुद्र पुरुषार्थ को भी भली भांति जानता हूँ, एवं मैंने श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसी स्वामी की ऐसी कीर्ति भी नहीं सुनी जो इस तरह महापापी शरणागतों को अपना लेता हो। पत्थर की अहल्या, वील, पक्षी, जटायु, मृग, मारीच और राक्षस, इन सबों में किसके शुभ कर्म थे, किंतु भगवान ने इन सब का उद्धार किया। मोको भलो राम नाम सुर तरुसो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के, तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माए बबा के। मेरे लिए तो यह राम नाम ही कल्प वृक्ष हो गया है, और वह कृपालु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ है। इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब तुलसी इस अनुग्रह के कारण ऐसा सुखी और निश्चिंत है, प्रसन्नचित है, जैसे कोई बालक अपने माता पिता के राज्य में होता है।